एकदम यार ये मुड़ती है ना तो गिरने का डर रहता है। तो आज यार अपन इसका करने वाले हैं टर्निंग रेडियस चेक करने वाले हैं अभी। तो ये चेक कर लो भाई, हाथ मैंने पूरे छोड़े हुए और अभी 70 की, तो इतना भाई ये होना चाहिए, ज्यादा मतलब जगह यार चाहिए भी नहीं। बट आप पता नहीं क्यों यार ये भी यार एक तरफ जा रही है, और वरना अदरवाइज अगर आप ऐसे ही मोड़ना चाहोगे तो भाई ऐसे नहीं मुड़ेगी एक ही बार में। तो इसमें मुझे थोड़ा बॉडी से यार इसे कंट्रोल करना पड़ रहा है। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो अभी यार फिर से यार अपने साथ यार अपनी पल्सर N150 ये वाली रिसेंटली यार परचेज की थी यार, आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता जाकर के यार अपने पुराने ब्लॉग्स वीडियोस देख सकते हो, सारी डिटेल में यार इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। बट आज जो यार अपन करने वाले हैं ना, आज यार अपन इसका करने वाले हैं टर्निंग रेडियस चेक करने वाले हैं। अभी यार मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले बताया था टर्निंग रेडियस, भाई जो ओल्ड वाली पल्सर N150 थी ना उसमें यार थोड़ा सा इशू था, तो इसमें यार चेक करेंगे यार इसमें वो इशू है या फिर नहीं। टर्निंग रेडियस अपन एक चेक करने वाले हैं, और जो सेकंड वन क्या ना भाई इसमें एक चीज़ और थी टर्निंग रेडियस के अलावा, क्या ना थोड़ा सा यार बार बार यार भूल जाता हूँ, तो वो क्या था टर्निंग रेडियस के अलावा यार आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है। अभी याद आया भाई, टर्निंग रेडियस के अलावा भाई इसमें एक इशू और था, वो क्या था ना, वो यार मैं बार बार फिर भूल जाता हूँ, वो था भाई इसका वन साइड लीन, इसका नहीं मतलब जो ओल्ड वाली पल्सर N150 थी ना सिंगल डिस्क वाली, उसके अंदर यार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी चेक करने वाली बात क्या ना भाई, आज अपन इसमें चेक करेंगे कि इसमें वो सेम इशू है या फिर कंपनी वालों ने सोल्व कर दिया। तो एक्चुअली अभी यार मुझे पता भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत यार इंप्रूवमेंट तो यार होना चाहिए। बाकी जिस तरह की यार हैंडल की पोस्चर है, जो यहाँ ये सारी चीज़ें देख करके लग रहा है ना, ऐसा लगता नहीं रहा कि भाई वो सारी चीज़ें यार इन्होंने इंप्रूव की होंगी। तो कभी कभी यार ना बाइक ना थोड़ी ज़्यादा झुक जाती है, उसकी जो मेन प्रॉब्लम रहती है ना टर्निंग रेडियस कम होने की वजह से, सिटी में अगर आप राइड करोगे तो भी यार आगे पीछे करने में थोड़ी कम जगह रहती है ना, तो बाइक पूरी आगे करो फिर पीछे करो, तो वो कुछ इश्यूज रहते हैं। तो अभी यार अपन इसमें चेक करेंगे वो इशू सॉल्व किए हैं फिर नहीं किए हैं। बाकी तो यार रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं अपने पल्सर N150 के लिए, तो जो भी यार पल्सर N150 लगा रहा है ना प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फिलहाल तो अभी यार चलो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं भाई इसके अंदर वो इशू है या फिर नहीं। तो अभी यार मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ भाई इसका ना कितना टर्निंग रेडियस रहता है। तो ये सपोज़ करो भाई आप थोड़े पहाड़ी इलाके में हो, ज़्यादा अंदर लेके नहीं जाऊँगा फिर यार गाड़ी आ जाती हैं। तो यहाँ भाई यहाँ पे देखो, अगर इसे भाई टर्न करना है तो ये भाई सबसे सही जगह है, तो आगे ले करके जाओ फिर यार इसे पीछे लाओ, फिर भाई ये आराम से मुड़ जाती है। तो इतने एरिया में तो यार ये आप लोगों ने देख लिया होगा ना इजीली यार ये मुड़ जाती है, बट अगर भीड़ भाड़ नहीं होगी पीछे करने में यार इसमें एक दिक्कत आती है, वो भी यार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक बार दोबारा से। यार ये चलते हैं, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा वाइड था, थोड़ा अगर ये और लीन होगा तो किस तरह का ये रहने वाला है। तो अभी ये चेक कर लो भाई, यहाँ से फिर से दोबारा से लेते हैं, तो यहाँ से लेते हैं भाई। तो ये है ना टर्निंग रेडियस, एकदम यार ये मुड़ती है ना तो गिरने का डर रहता है, तो इतनी यार ये झुक जाती है यहाँ से। तो इतने में तो यार ये आराम से मुड़ रही है, बट क्या ना थोड़ा ट्रैफिक होता है कुछ होता है। तो ये चेक कर लो यार ये मतलब, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा उतर के यार थोड़ा सा बाइक से दिखा देता हूँ। तो इसे ना भाई मुड़ने के लिए कितनी जगह चाहिए एक बार दोबारा चेक कर लो, तो इतना भाई ये होना चाहिए, ज़्यादा मतलब जगह यार चाहिए भी नहीं। बट क्या ना थोड़ा इसे ना अगर भीड़ में लेके जाओगे ना तो थोड़ा सा इशू रहता है। तो ये भाई इतना गैप आ गई इतना पीछे, तो ये चेक कर लो, तो इतने में तो यार ये आराम से मुड़ जाएगी। बाकी ना गाड़ी यार आती रहती है वो भी बड़ी, तो निकालते हैं यहाँ से। तो देखो ये एक बार पीछे और एक बार आगे, तो वरना अदरवाइज अगर आप ऐसे ही मोड़ना चाहोगे तो भाई ऐसे नहीं मुड़ेगी एक ही बार में। तो कभी कभी क्या ना पीछे करने के लिए यार जगह नहीं होती थोड़ा सा, तो ये कुछ रहता है भाई इसमें। बाकी तो भाई इतना बड़ा कोई मेन इशू है नहीं, अभी यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे लो फिर ऐसे करो, तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं इसमें। बाकी यहाँ से अभी मैं ले लेता हूँ भाई इसे यू टर्न, यहाँ से भाई इसे थोड़ा यू टर्न ले लेते हैं। चलो भाई अभी ले लेते हैं थोड़ा यू टर्न, थोड़ा मोड़ते भी ना तो भी यार बाइक यार एक तरफ को झुक जाती है, क्योंकि यार पूरा तो यार ये है नहीं यार इसके अंदर जिस तरह से होना चाहिए ना टर्निंग रेडियस। तो चलो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को थोड़ा इसका वन साइड लेन दिखाता हूँ। तो ये तो अभी थर्ड गियर में है और स्पीड है समथिंग 40, तो अभी मैं ना आप लोगों को कई स्पीड पर दिखाने वाला हूँ। अभी तो देखो समथिंग 50 की स्पीड पर, नहीं थोड़ा कम करते हैं फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी ये चेक करो भाई, अभी ये 40 की स्पीड पे, तो 40 पे तो भाई चली जाएगी यार इधर, 40 पे तो यार कम लग रहा है थोड़ा सा। अब यार ये 50 प्लस फोर्थ गियर स्विच, और अभी देखते हैं भाई। चलो 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 चलो, अरे रुक जा भाई, नहीं भाई यार इसमें भी लग रहा, पता नहीं क्यों यार ये भी यार एक तरफ जा रही है, और ये ओल्ड वाली थी यार वो भी, तो पता नहीं क्यों, शायद आई थिंक यार स्पीड कम है इस वजह से।
तो चलो अभी थोड़ा स्पीड को भी थोड़ा सा अप करते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं। और थोड़ी क्या ना, हवा भी यार थोड़ी तेज़ चल रही है ना, और मैं यार हल्का आदमी तो उस वजह से भी आई थिंक यार मुझे लग रहा है। बाकी चलो थोड़ी सी स्पीड अभी थोड़ी ज़्यादा 60 प्लस है, और अभी हाथ छोड़ दो तो ये थोड़ा सा भाई थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार एकदम चली जाएगी, थोड़ा बहुत 90-20 का देखने के लिए मिल रहा, बट बताऊँ तो उससे थोड़ा इम्प्रूव है इसमें। और काफ़ी जो होंगी ना, जो और जो पल्सर होंगी उनमें बिल्कुल ही ख़त्म होगा, तो थोड़ा बहुत यार ये रह जाता है। और अभी थोड़ा सा ना इसे मैं थोड़ा और खींच के देखता हूँ, और यार इसमें ना स्मूथनेस की यार थोड़ी मुझे कमी फील होती है। तो अभी चल रही है भाई यार अपनी बाइक समथिंग 70 पहले करते हैं। पीछे भाई कोई गाड़ी भी नहीं है, मिरर का यही बेनिफिट होता है। तो यहाँ से देखो भाई, अभी मैं बिल्कुल ठीक बैठा हुआ हूँ, तो ये भाई कंट्रोल कर सकते हो, बट एक साइड में जाती है। अभी तो ठीक चल रही है, ये चेक कर लो, अभी ठीक चल रही है। बट आई थिंक यार ये ना, मैं बताऊँ तो हवा की वजह से यार ये थोड़ा आई थिंक लग रहा है यार मुझे, वरना इसके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे यार अभी ना थोड़ा 40-50 पे भी अगर मैं इसे चला रहा हूँ ना, तो थोड़ा ठीक जा रही है यार। ऐसा नहीं है कि यार ज़्यादा आप लोगों को इसमें इशू देखने के लिए मिलेगा, हवा थोड़ी यार तेज़ चल रही है तो उस वजह से थोड़ा सा हो रहा है, वरना अदरवाइज़ तो भाई इशू तो मुझे यार इसमें थोड़ा इम्प्रूव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मॉडल। तो चलो अभी 70 प्लस है, तो ये चेक कर लो भाई, हाथ मैंने पूरे छोड़े हुए हैं, और अभी 60 तो अभी तक तो ठीक चल रही है। एक तरफ ना मुझे यार बॉडी ना लीन करनी पड़ रही है, उसके बाद में थोड़ा स्ट्रेट चल रही है, अगर मैं सीधा बैठूंगा तो कुछ यार ऐसे आ रही है जा रही है, तो मुझे ना अपनी बॉडी से आ रही है कंट्रोल करनी पड़ रही है। वरना अदरवाइज़ ऐसा नहीं है जैसे बाकी बाइक्स होती हैं उस पर आप सीधे बैठ जाओ तो चलती रहती है, तो इसमें मुझे थोड़ा बॉडी से आ रही से कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो ये देखो अभी मैं भाई सीधा बैठा हूँ, ये है भाई सीधी तो चली जाएगी, अगर आप थोड़ा सा अपनी बॉडी से इसे ही कंट्रोल करोगे ना तो सीधी चली जाएगी। अभी देखो इतने पे तो आराम से है, तो मैं फिर भी इधर की तरफ यार मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा, ये भाई लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी सी भाग जाती है। तो ये चीज़ थी भाई, लगा यार थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे, बट इतना ज़्यादा बड़ा यार ये कोई मेन इशू होता नहीं है, कौन यार ऐसे चलाता। बट फिर भी यार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके अंदर ना दोनों चीज़ों में से कोई भी यार इम्प्रूव हुआ नहीं है। तो एक बार दोबारा एक बार लास्ट टाइम यार खींच के देखते हैं। तो ये सीधा बैठा हूँ भाई, मैं नीचे आ जाएगी। तो ये तो भाई इसके अंदर इशू है यार, अपनी पल्सर N150 के अंदर, ओल्ड में भी था न्यू में भी था। एंड आई होप कि यार अभी यार आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। बाकी यार अगर आप कोई बाइक अगर ये N150 अगर परचेस करते हो तो एक बार राइड ले लेना, उससे थोड़ा सा सारी बाइक्स में अगर एक में है तो सारी बाइक में यार मे बी यार ये प्रॉब्लम हो सकती है। टर्निंग रेडियस की तो 110% हो सकती है, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बट चलो कोई नहीं, फिलहाल तो अभी यार मुझे आप लोगों को यही थोड़ा सा डिटेल में दिखाना था, बताना यार आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। सो अभी के लिए यार इतना ही, मिलते हैं यार आप सब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।